कुंडा के बाहुबली राजा भैया और गुलशन यादव की टेंशन बढ़ गई है। राजा भैया और गुलशन यादव भले ही एक दूसरे के विरोधी हों, लेकिन अब एक मामले में दोनों की टेंशन बढ़ गई है और दोनों मुश्किल में हैं। आपको बता दें कि राजा भैया और गुलशन यादव के बीच 36 का आंकड़ा है और दोनों बड़े विरोधी माने जाते हैं। एक समय था जब गुलशन यादव राजा भैया के बेहद करीबी हुआ करते थे, लेकिन अब राजा भैया गुलशन यादव के बीच काफ़ी दूरियां हो गई हैं। वल्लीपुर में 2 मार्च 2013 को प्रधान नन्हे यादव और उसके भाई सुरेश यादव और कुंडा के सीओ जियाउल हक हत्याकांड जांच करने के लिए 10 साल बाद फिर सीबीआई की टीम दस्तक देगी। इस मामले में राजा भैया और गुलशन यादव का दोनों का ही नाम शामिल है। इसी के चलते राजा भैया और गुलशन यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बल्लीपुर में हुए तेहरे हत्याकांड के समय गुलशन यादव विधायक राजा भैया के बेहद करीबी थे। 10 साल बाद हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं। राजा भैया से बगावत कर गुलशन यादव ने सपा के टिकट पर कुंडा से विधानसभा का चुनाव लड़ा। मौजूदा समय में गुलशन यादव सपा के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष हैं। राजा भैया के सामने चुनाव लड़ने वाले गुलशन की पत्नी सीमा यादव नगर पंचायत का चुनाव भी हार चुकी हैं। राह जुदा होने के बाद गुलशन यादव का रुख क्या रहता है, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। गुलशन यादव और राजा भैया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और दोनों की टेंशन अब पूरी तरीके से बढ़ गई है।